नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 6 महीने पूरे कर लिए हैं। योगी सरकार ने हजारों काम 180 दिनों के नाम किए हैं। सरकार के बनते ही 100 दिन 6 महीने और 5 वर्ष का लक्ष्य पूरा किया है। अपने ट्वीट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को उनकी सेवा, सुरक्षा और कल्याण को जनता को समर्पित करते हुए बधाई दी है। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने तक कई योजनाओं को आधारभूत स्तर तक लागू कर नई इबारत लिखी है, जिसमें हर खेत को पानी, राशन प्रदेश और निवेश को तेज रफ्तार मिली है। अपने संकल्प पत्र के 130 वायदों में से 97 को बजट में जगह दी गई। 180 दिनों में संकल्प पत्र के वायदों के लिए 54,883 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गन्ना उत्पादक किसानों को 1,78,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य के दिए गए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कर 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया। इन 180 दिनों में 55 कंपनियों ने 45,000 करोड़ का निवेश किया। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली 7 कंपनियों को भूमि आवंटित की गई। प्रदेश भर में युवाओं को रोजगार देने के लिए लोन मेले आयोजित किए गए। बंदियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए पुलिस भर्ती का लक्ष्य पूरा किया गया और 5,381 नई भर्तियां की गयी, जिसमें 86 राजपत्रित और 5,295 अराजपत्रित श्रेणी के अधिकारी शामिल हैं। इन 180 दिनों में योगी सरकार ने अपराधियों और माफियाओं से रुपए 21.69 अरब की संपत्ति जब्त की। धार्मिक स्थलों से 17,190 लाउडस्पीकर हटाए गए और 50,000 से अधिक की आवाज कम कराई गई। अतिक्रमण के क्षेत्र में योगी सरकार ने 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को मुक्त कराया। साथ ही जनता की सुविधा के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जनता को समर्पित किया। इस मौके पर सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश देश की आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। योगी ने कहा कि अंत्योदय से लेकर अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंडस्ट्री तक, कामगार से लेकर किसान तक, सुरक्षा से लेकर शिक्षा तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में हम नए भारत, नए उत्तर प्रदेश की स्वर्णिम पटकथा लिख रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, ये डबल इंजन की भाजपा सरकार जो कहेगी वो करेगी। उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर वकास वारसी की खास रिपोर्ट।